दोस्तों अपनी ट्रेन आ चुकी है, देख लीजिए दोस्तों हम लोग आ चुके हैं सोमनाथ मंदिर, ये देख लीजिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपना शूट कंप्लीट कर लिया और यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल सूरज एक्सप्लोर द टूरिंग लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तभी मैं हूँ फिलहाल अब मुंबई में अपने घर पर और आज हम लोग जा रहे हैं वापी घूमने। कौन सा मंदिर है? सोमनाथ टेम्पल, वहीं पर हम लोग जा रहे हैं। बन रही है हमारे यूट्यूब चैनल में, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तभी चलते हैं, अपनी ट्रेन पकड़ते हैं मानगांव प्लेटफॉर्म से। ये मेरे मामा जूता पहन रहे हैं, हम दो लोग ही जा रहे हैं वापी, और वापी यहाँ से 60 किलोमीटर है। तभी ट्रेन से जाना है, 5:30 बजे की ट्रेन है, तभी 4:45 हुआ है, तभी हम लोग चलते हैं घर से। तो हम लोग आ चुके हैं रेलवे स्टेशन, देख लीजिए। और ये है मेरे मामा टिकट कटवा रहे हैं, गाड़ी अपनी ये है बोरेवली मेमो। तो ये रही दोस्तों अपने टिकट वानगांव टू वापी, 63 किलोमीटर और 40 रुपये। तो अपनी ट्रेन आ चुकी है, देख लीजिए मेमो बोरेवली टू सूरत, ये सूरत तक जाती है लेकिन हमें जाना है वापी। किसी में मिसिंग बैठ गया भारत सूरत गिरा बोरेवली से। मसाले वाले चाहिए, ट्रेन अभी खाली है। अभी दोस्तों अपनी ट्रेन चल दी वानगांव रेलवे स्टेशन से। अभी दोस्तों हम लोग आ चुके हैं वापी, ये रही अपनी ट्रेन, रहा वापी रेलवे स्टेशन। अरे बहुत ज़्यादा देख लीजिए भीड़ है। अभी चलते हैं सोमनाथ टेम्पल। हम लोग आ चुके हैं बाहर टैक्सी स्टैंड, भैया गाड़ी ये है यहाँ का टिकट काउंटर। टिकट कटवा सकते हैं, टिकट काउंटर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। जिस ट्रेन से हम लोग आए वो ट्रेन छूट चुकी है, चल रही है। काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जनशताब्दी और राजधानी सभी गाड़ियाँ यहाँ पर रुकती है। आपके काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन ये है यहाँ से, कुछ रेलवे स्टेशन और टैक्सी स्टैंड यहाँ वापी रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर ही है टैक्सी स्टैंड। अभी दोस्तों हम लोग बैठ चुके हैं ऑटो रिक्शे में और निकल लिए हैं अपने मंजिल की रोड सोमनाथ टेम्पल। हम लोग आ चुके हैं सोमनाथ मंदिर, ये देख लीजिए कुछ ऐसा मंदिर। चलिए चलते हैं, फिर दर्शन कराते हैं और आपको बता दूँ कि हाँ मेरे पास कैमरा अलाउ नहीं, क्योंकि ये देखिए बोर्ड वहाँ पर लगा है।
है, दर्शन करने के लिए आपको खुद ही आना पड़ेगा। चल चले, कहाँ लेना? श्री सोमनाथ महावीर मंदिर। यह है वो मंदिर, आप मंदिर इधर जाकर आप नारियल फोड़ सकते हैं। यहाँ पर अगरबत्ती जलाई जाती है। अंदर कैमरा नहीं अलाउ। चला चल, अंदर से काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा ही एक मैंने वीडियो बना लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। काफ़ी अभी तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर चौराहे पर खड़े हैं। हमें जाना है दमन। आप लोगों ने दमन का नाम सुना होगा, जहाँ पर दारू काफ़ी सस्ती मिलती है। तो हमें वहाँ पर एक गार्डन है, वहाँ घूमने जाना है। और गार्डन का हमें नाम नहीं जाना। अभी चल कर आपको मैं बताता हूँ और दिखाता भी हूँ। अभी दोस्तों हम लोग आ चुके हैं यहाँ बस स्टैंड पर, देख लीजिए। और यहाँ से अभी मालूम नहीं किधर जाना है, क्योंकि यहाँ गार्डन पे मुझे दिख ही नहीं रहा दूर दूर तक। अपना मेन रूम गर्मा गर्म। अभी दोस्तों मैं आया हूँ इस गार्डन में, देख लीजिए। यह कुछ ऐसा गार्डन, इधर साइड है तालाब है, लेकिन ये भी बना नहीं है, बना है आधा आधा, पूरा पानी इसका खत्म, सूख गया। यहाँ पर आराम से बैठ कर बैठ सकते। हाँ यहाँ पर बैठ के बड़े गप्पे सप्पे लड़ा सकते। छोटा सा ही है गार्डन। हम लोगों ने यहाँ पर अपना शूट कंप्लीट कर लिया और यहाँ से निकलते हैं। यह है अपना कुछ ऐसा गार्डन और यह है इसका एंट्री गेट। यहाँ से हम लोग चलते हैं बाहर। अभी दोस्तों हम लोग टैक्सी में बैठ चुके हैं, अभी पूरे फुल लोग तभी लोग चलेंगे। तो अभी दोस्तों हम लोग आ चुके हैं फिर से वापी रेलवे स्टेशन और यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं दानू के लिए। अभी दानू बीच जाना है समंदर घूमने, आज सारा दिन घूमना ही घूमना है। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं रेलवे स्टेशन में और हमने टिकट कटवा ली।
इस बार हमारी टिकट थोड़ा महंगी पड़ी क्योंकि हमने कटवाई है सुपर एक्सप्रेस की। कोई भी ट्रेन पर बैठ कर जा सकते हैं, लोकल की नहीं है। तो एक ट्रेन का वेट करते हैं, देखते हैं आ रही है, फिर चलते हैं दहानू। तो अभी इस ट्रेन से आए थे सुपर फास्ट, भुज से चलकर आई है, दादर के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम लोग दहानू में उतर लिए हैं क्योंकि हमें जाना समुंदर, फिर यहाँ से ट्रेन पकड़ के लोकल उधर खड़ी है उससे जाएंगे वानगांव। भुज से चलकर आए, दादर जा रहे मुंबई। अभी अपन लोग इधर से उस पार जाएंगे। अभी दोस्तों हम लोग आए खाना खाने के लिए, ऑर्डर किया है पनीर मसाला मतलब सब्जी और दो रोटी। तो अभी दोस्तों हमारा खाना आ चुका है, पनीर मसाला, इधर रोटी आ चुकी है अपनी चावल की, और काफ़ी मस्त है, मैंने खाया टेस्टी भी है। ये खाते हैं फिर आपको बात मिलता है, इधर सलाद भी है। तो अभी हम लोग दोस्तों खाना खा चुके हैं। बिल कितना है? और हमारा खाने का बिल 250 है, लेकिन काफ़ी टेस्टी मस्त खाना था। और हम लोग आ चुके हैं समंदर किनारे। वो जरा सबर करो, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा समंदर। आ चुके हम लोग दहानू बीच। आज काफ़ी तेज़ लहर है क्योंकि आज बाढ़ में है, नहीं तो अगली बार मैं आया था ना तो सूख गया था, काफ़ी पीछे तक वहाँ पानी था। आज इधर ही है, बिल्कुल ठंडा ठंडा हवा एकदम लग रहा है, मस्त ठंडा ठंडा ही हवा बिल्कुल चल रहा है। लेकिन बाल हुए देखिए कितने तेज लहर आ रहे हैं, लेकिन दूर ही रहो नहीं भिगा देगा। अब पिछली बार मैं इधर आया था ना तो मेरा समुंदर में मोबाइल भीग गया था, इसलिए इस बार पास से नहीं बनाऊंगा, वो दूसरा मोबाइल था, ये मैंने नया लिया है। आपको कैसा लगा ये मेरा ब्लॉग, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।